ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 11/4/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन क्या चलना चाहिए। बाबा कहते हैं सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। प्रश्न है आज का, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए। उत्तर है ऊंच पद तब मिलेगा, ध्यान से सुने, ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, नंबर वार सुनते जाइए, अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, हबच्छ है, माना लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो और कर्मेंद्रिय जीत बनो। गीत बजा है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर प्रभु के महावाक्य। नंबर एक, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। नंबर दो, देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है, इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। वरदान सतगुरु बाबा का, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर यानी आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव की सेना में, युद्ध के लिए जो सेनाएं होती है ना, तो सेना में जो सैनिक होते हैं वो कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदैव वो बड़े सावधान रहते हैं, अलर्ट रहते हैं और एवर रेडी रहते हैं, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो तो इसमें जरा भी अलबेलापन न हो, अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, बाबा कहते हैं अगर अटेंशन का भी टेंशन रखा तो अटेंशन नहीं रहेगा, फिर बुद्धि टेंशन में ही रहेगी। लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती, इसलिए नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः ही स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। स्लोगन है स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।